बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 5 इन कंप्यूटर क्लास एंड द टॉपिक ऑफ आर लेक्चर इज़ कंप्यूटर एंड यू। लाइक अ ह्यूमन बॉडी, कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ डिफरेंट पार्ट्स विच परफॉर्म डिफरेंट टास्क। लाइक आर आईज हेल्प अस टू सी, नोज टू स्मेल, hands to hold things, legs for running. In this way, computer have different parts like keyboard, mouse, monitor and CPU which perform different tasks according to the instructions. Computer is an electronic man-made device. There are three basic functions that are common between computer and man. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक इंसान ने बनाई है, और तीन तरह के मुख्तलिफ बेसिक बुनियादी काम जो हैं वो कंप्यूटर परफॉर्म करता है जो इंसानों में और कंप्यूटर्स में कॉमन है। व्हाट आर थ्री डिफरेंट टास्क और फंक्शंस आर? नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 प्रोसेसिंग, नंबर 3 आउटपुट। Let's find who is better, human or computer. आइए अब देखते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर है, कंप्यूटर या इंसान। कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड टेक डिसीजंस, कंप्यूटर्स आर नॉट फ्लेक्सिबल, कंप्यूटर्स कैन नॉट गेट टायर्ड, कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। कंप्यूटर बहुत तेज़ी के साथ काम करता है, कोई गलती नहीं करता, कंप्यूटर सोच नहीं सकता और अपना डिसीजन नहीं ले सकता, फैसला नहीं कर सकता, कंप्यूटर्स फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं यानी जिधर मुड़ना चाहें उधर मुड़ नहीं सकते, बैंड नहीं हो सकते, कंप्यूटर्स थकते नहीं हैं, कंप्यूटर्स को या कंप्यूटर को काम करने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। आइए अब देखते हैं कि ह्यूमंस में क्या क्वालिटीज़ हैं। ह्यूमन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज कंप्यूटर, इंसान कंप्यूटर की तरह तेज़ काम नहीं कर सकता। ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक, इंसान गलतियाँ करता है। ह्यूमन कैन थिंक एंड टेक डिसीजन, बट इंसानों का ये प्लस पॉइंट है कि वो सोच सकते हैं और अपने फैसले खुद कर सकते हैं कि अब उन्होंने खाना खाना है, अब उन्होंने आराम करना है, अब उन्होंने पढ़ना है, अब किसी चीज़ को देख के वो सोच सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, जबकि कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकते। ह्यूमंस आर फ्लेक्सिबल, ह्यूमन जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो उनकी बॉडी भी मूवेबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, बेंड हो जाती है, एक जगह से एक साइड पर मुड़ सकती है दूसरी साइड पर, और इस ऑन दूसरी तरह इस तरह भी फ्लेक्सिबल हैं कि वो कभी गुस्सा करते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी नरम दिल होते हैं। ह्यूमंस गेट टायर्ड, इंसान जल्दी थक जाता है, कंप्यूटर नहीं थकता। ह्यूमन कैन वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे बेस्ट प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, जबकि इंसान बिजली के बगैर काम करता है। कंप्यूटर और ह्यूमंस का के काम को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस आर सुपीरियर देन कंप्यूटर बिकॉज ही मेड कंप्यूटर, क्योंकि इंसान ने कंप्यूटर बनाया है, इंसान सोच सकता है, फैसला कर सकता है, तो कंप्यूटर जो है वो ख़ुद कोई काम नहीं करता बल्कि जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसके मुताबिक काम करता है, इसलिए ह्यूमंस कंप्यूटर से सुपीरियर हैं। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स दैट वर्क लाइक कंप्यूटर पार्ट्स। अब देखते हैं कि इंसानी जिस्म के कौन से ऐसे हिस्से हैं जो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। सबसे पहले स्पीकर एंड प्रिंटर माउथ की तरह है, स्पीकर से भी हमें आवाज़ आ रही होती है, प्रिंटर से हमें प्रिंट फॉर्म में कोई भी रिज़ल्ट जो होता है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, हमारा माउथ
जो मुंह है उससे हम बोलने का काम करते हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वो हम मुंह से बोलते हैं, यानी वो हमारी आउटपुट होती है। बोथ आर आउटपुट डिवाइसेस, माउथ इज आउटपुट डिवाइस एंड स्पीकर एंड प्रिंटर इज आर ऑल्सो आउटपुट डिवाइसेस। दे प्रोड्यूस वट द कंप्यूटर नीड्स टू गिव आउट। स्पीकर एंड प्रिंटर वही प्रोड्यूस करते हैं जो कंप्यूटर करना चाह रहा होता है। माउस एंड कीबोर्ड, माउस कंप्यूटर में माउस और कीबोर्ड से हम डेटा एंटर करते हैं, यानी ये इनपुट डिवाइसेस हैं। और इंसानों में उनके हाथ जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं। इंसान हाथों से कोई काम करता है, पेंसिल उठाता है, पकड़ता है, किसी को चीज़ देनी है। बोथ आर इनपुट डिवाइसेस, दे आर यूज टू सेंड इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन इन टू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में माउस और कीबोर्ड हैं जिससे हम डाटा एंटर करते हैं, इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, और हमें कंप्यूटर प्रोसेस करके फिर वो प्रिंटर या स्पीकर के थ्रू आउटपुट की फॉर्म में देता है। आइए आप देखते हैं कि ह्यूमन की आईज और कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो एक जैसा काम करते हैं। वेबकैम एंड आईज, वेबकैम डिटेक्ट लाइट एंड सेंड सिग्नल्स थ्रू द ऑप्टिक लेंस टू द विजुअल एंड द कंप्यूटर टू द सीपीयू, जस्ट एग्जैक्टली लाइक हाउ द आईज वर्क सेंडिंग विजुअल सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। हमारी जो आँखें हैं वो भी इनपुट डिवाइस में आती हैं, वेब कैम भी इनपुट डिवाइस है, ये चीज़ों को देखती हैं और सिग्नल हमारे ब्रेन को भेजती हैं, दिमाग को भेजती हैं, दिमाग उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें बताता है कि हमने क्या चीज़ देखी है। सो आईज आर इनपुट डिवाइसेस। माइक्रोफोन जिससे हम मोबाइल के साथ या अपने लैपटॉप के साथ या अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं साउंड को रिसीव करने के लिए। इसी तरह कान जो हैं इंसानी जिस्म में वो सुनने का काम करते हैं, यानी वो सुन रहे हैं। जब कोई चीज़ हम सुनते हैं, सुन के फिर हम बोलते हैं, तो ईयर्स जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं। माइक्रोफोन रिसीव साउंड वेव्स एंड सेंड इट टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। माइक्रोफोन्स जो हैं वो आवाज़ को रिसीव करते हैं और फिर उसको कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। तो इट मीन्स कि ईयर्स और माइक्रोफोन जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं। अभी तक हमने जो इनपुट डिवाइसेस देखी हैं ह्यूमन बॉडी में, आईज, ईयर्स, हैंड्स, और साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रेन जो है वो हमारा प्रोसेसिंग करता है, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस है, वो प्रोसेसर है, जैसे कि कंप्यूटर में सीपीयू होता है। आइए अब देखते हैं आगे। मॉनिटर, मॉनिटर शो आउटपुट, यानी मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो हमारी बॉडी में हमारे जो फेस है वो आउटपुट डिवाइस है। इन आर बॉडी फेस इज एन आउटपुट डिवाइस। दिस इज एन आउटपुट डिवाइस। इट हैज़ अ स्क्रीन विच इट यूज टू डिस्प्ले वट द कंप्यूटर इज डूइंग और हाउ इट फील्स, जस्ट लाइक द ह्यूमन फेस शो डिफरेंट एक्सप्रेशन। मॉनिटर पे जिस तरह इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग होती है और फिर जो प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट होता है वो मॉनिटर पे शो होता है, इसी तरह जो हमारा फेस है उससे हमारे एक्सप्रेशन दूसरों को पता चलते हैं कि आया हम गुस्से में हैं, हैप्पी हैं, सैड हैं, हमारी फीलिंग्स क्या हैं,
वो हमारे फेस से शो होती हैं। तो फेस इज एन आउटपुट डिवाइस। नाउ नर्वस सिस्टम, जो कि मदरबोर्ड की तरह है, कंप्यूटर में मदरबोर्ड और हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो हमारी वेंस के ज़रिए हमारे दिमाग से तक प्रोग्राम या मैसेजेस जाते हैं। ऑल कंप्यूटर पार्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर ऑन द मदरबोर्ड। ऑल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कनेक्टेड थ्रू इट। विदाउट अ मदरबोर्ड ऑल अदर कंपोनेंट्स आर लाइफलेस। कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, जो कि बेसिक थिंग है कंप्यूटर में। अगर मदरबोर्ड आपका सही नहीं है, काम नहीं ठीक कर रहा, तो आपके कोई भी कंपोनेंट्स जो हैं, कोई भी पार्ट्स जो हैं, वो काम नहीं करेंगे, वो लाइफलेस हो जाएंगे, यानी उन बिल्कुल फजूल हैं, उनका हम कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। हार्ड ड्राइव हमारे ब्रेन के तौर पे काम करती है, जो कि सीपीयू के अंदर होती है। ऑल नॉलेज ऑफ प्रोग्राम फाइल्स एंड डाटा इज स्टोर ऑन द हार्ड ड्राइव, जस्ट लाइक द ब्रेन। इट इज सेक्शन ऑफ फॉर वेरियस पर्पजेज। द हार्ड ड्राइव स्टोर एंड रिट्रीव्स ऑल ऑफ आर प्रीशियस इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स फॉर यूज वेन एवर वी विश, जस्ट लाइक आर लॉन्ग टर्म मेमरीज। हार्ड ड्राइव जो होती है वो हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो जिसमें हमारी याददाश्त होती है, यानी ये हार्ड ड्राइव जो है ये चीज़ों को स्टोर करती है, याद रखती है, और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस हार्ड ड्राइव से डाटा हम रिट्रीव करते हैं और यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें, कुछ नाम हमारी याददाश्त में महफूज हो जाते हैं, जो हमने पहले देखे होते हैं, और जब हम दोबारा किसी जगह पर उन लोगों को, उन चीज़ों को देखते हैं, तो वो हमारे दिमाग में याददाश्त के उस हिस्से से वापस आती हैं और हमें उन चीज़ों के नाम याद आ जाते हैं। इसके साथ ही क्लास, हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू क्लास, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड see your lecture on YouTube. Thank you. Allah Hafiz.